क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से काजी आजी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे करतार सिंह भड़ाना जी उनको बनाना है। इतने हम आपको कहना चाहते हैं, हम विधानसभा जीत रहे हैं, यहाँ के लोगों ने विधायक बनाने का संकल्प ले लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी अस्थितानंद जी समय मौजूद है। लगातार भारतीय जनता पार्टी करतार सिंह भड़ाना का जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज। धन्यवाद। अच्छा, कैसा चुनाव चल रहा है? लगातार आप फील्ड में है, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? ऐसा लगता है कि अब की बार इस क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से काजी आजी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे करतार सिंह भड़ाना जी उनको बनाना है। यहाँ की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और उनकी अच्छी तरह मालूम है अगर क्षेत्र का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है तो सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार का विधायक बनाना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, किस तरह का समीकरण है, किस तरह का आपको समीकरण लग रहा है कि ये समीकरण इस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है? सर्व समाज का, 36 बिरादरियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो काम करने की शैली है उससे प्रभावित होकर सर्व समाज के लोग अब की बार, यही हमारा समीकरण है, वो बीजेपी को यहाँ से जिताना चाहते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल हो रहा है, जैसे कि लोकसभा का जो नतीजा आया है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं विपरीत रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कहना चाहते हैं, हम विधानसभा जीत रहे हैं, यहाँ के लोगों ने विधायक बनाने का संकल्प ले लिया है। तो आप देख सकते हैं स्वामी अस्थितानंद जी हमारे साथ में थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है करतार सिंह भड़ाना वो जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी ये, तो 10 तारीख को जब मतदान होगा, जब उसके नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।